प्लास्टिक के साथ और कोई सर्जरी आप कर सकते हैं इसमें? राइनोप्लास्टी के साथ मैंने जैसे बताया सेप्टम को करेक्ट किया जाता है जिसको सेप्टो राइनोप्लास्टी बोलते हैं। इसके अलावा आप लीप की कोई सर्जरी कर सकते हैं, अगर आपको फोरहेड में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कर सकते हैं। तो जो भी नाक के आजू बाजू की कोई भी सर्जरी है या नाक के ऊपर कोई स्कार रिविजन है तो वो आप कर सकते हैं। और राइनोप्लास्टी के साथ में आपको अगर LR बेस माने आपका ये जो नाक बहुत चौड़ा है तो उसको छोटा करना, या नाक आपकी नीचे पुल हो रही है तो उसको सीधा करना, तो ऐसी छोटी मोटी सर्जरी नाक के लिए आप करवा सकते हैं। हमारे कोई अगर कोई पेशेंट अगर राइनोप्लास्टी करना चाहते हैं तो डॉक्टर आशुतोष या एलिगेंस क्लिनिक का कांटेक्ट कैसे करें? एलिगेंस क्लिनिक में हम लोग ओपन, क्लोज और इम्प्लांट सभी तरह की राइनोप्लास्टी करते हैं। अगर आपको हमारा कांटेक्ट करना है तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में आपको दिए जाएंगे, उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।